दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2020 में आगे आने वाले बिग बॉलीवुड डेब्यूज के बारे में। 2019 में आपने बी टाउन में कई सारे होनहार कलाकारों को देखा है। अनन्या पांडे, तारा सुतारिया, करण देओल और अन्य लोगों ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 2020 में आगे आने वाले बॉलीवुड के बड़े डेब्यूज को लिस्ट किया है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन है जो 2020 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आलिया फर्नीचर वाला की। दोस्तों आलिया फर्नीचर वाला पूजा बेदी की बेटी हैं। आलिया को सैफ अली खान के साथ जवानी जाने मन में स्क्रीन स्पेस साझा करते हुए देखा जाएगा। जवानी जाने मन फिल्म में आलिया सैफ और तब्बू की बेटी के किरदार निभाने वाली हैं। इसके बाद बात करते हैं शालिनी पांडे की। शालिनी ने कुछ साल पहले विजय देवरकोंडा की तेलुगु सुपरहिट फिल्म अर्जुन रेड्डी में अपने अभिनय से सबको प्रभावित किया था और इनको समीक्षकों के द्वारा काफी प्रशंसा भी मिली थी। इन्होंने कई तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया है। 25 वर्षीय शालिनी कॉमेडी ड्रामा जयेश भाई जोरदार में रणवीर सिंह की हीरोइन के रूप में बी टाउन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद हैं क्रिस्टल डिसूजा। क्रिस्टल डिसूजा छोटे पर्दे की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं और क्रिस्टल फिल्म चेहरे के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगी, जिसमें ये इमरान हाशमी और अमिताभ बच्चन के साथ नजर आएंगी। उसके बाद है मानुषी छिल्लर। मानुषी अक्षय कुमार के साथ फिल्म पृथ्वीराज में एक बहुत बड़ा डेब्यू करने जा रही हैं, जिसमें मानुषी राजकुमारी संयोगिता की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। उसके बाद हैं आहान शेट्टी। सुनील शेट्टी की बेटी अथिया पहले ही बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं और अब बारी है उनके बेटे की। आहान 2013 की तेलुगु फिल्म RX100 के हिंदी रीमेक से अपनी शुरुआत करेंगे। मिलन लुथरिया के निर्देशन की इस फिल्म का टाइटल तड़प है और इसमें तारा सुतारिया आहान के साथ नजर आएंगी। इसके बाद हैं संजना संघी। बेहद ही खूबसूरत संजना संघी सुशांत सिंह राजपूत के साथ दिल बेचारा में एक मुख्य किरदार के रूप में दिखाई देंगी। ये फिल्म इंग्लिश फिल्म द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की हिंदी रीमेक है। इसके बाद हैं इजाबेल कैफ। कैटरीना कैफ की बहन इजाबेल ने 2014 में इससे पहले डॉक्टर केविन नामक एक क्रॉसओवर फिल्म में छोटी सी भूमिका निभाई थी और सौंदर्य प्रसाधन के ब्रांड के विज्ञापन में अभिनय भी किया था। इजाबेल करण बुटानी की एक फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं, जिसमें वो सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा के साथ अभिनय करते हुए नजर आएंगी। इसके बाद बात करते हैं जितेंद्र कुमार की। दोस्तों कोटा फैक्ट्री और द वायरल फीवर की कई वेब सीरीज में दिखने के बाद जितेंद्र कुमार 21 फरवरी को शुभ मंगल ज्यादा सावधान में आयुष्मान खुराना के प्रेमी के रूप में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत कर चुके हैं। इस फिल्म में जितेंद्र और आयुष्मान समलैंगिक हैं। इसके बाद बात करते हैं लक्ष्य की। दोस्ताना 2 के लिए कई लड़कों के ऑडिशन के बाद बॉलीवुड में करण जौहर ने खुलासा किया कि लक्ष्य यानी कि लक्ष्य लालवानी सन 2008 की हिट फिल्म दोस्ताना के सीक्वल दोस्ताना 2 में कार्तिक आर्यन और जाह्नवी कपूर के साथ नजर आएंगे। इससे पहले लक्ष्य ने सन 2017 में सोनी टीवी के शो पोरस में पोरस की भूमिका निभाई थी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों शिर्ली सेतिया की। शिर्ली सेतिया कई वर्षों से इंटरनेट में बहुत प्रसिद्ध हैं और अब लगभग सभी लोग इनके चेहरे को पहचानने लग गए हैं। ये एक बेहतरीन सिंगर हैं जो कई सॉन्ग्स में अपनी आवाज भी दे चुकी हैं। शिर्ली जून 2020 में फिल्म निकम्मा के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करेंगी। इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी और अभिमन्यु दासानी भी हैं। इसके बाद बात करते हैं शर्वरी वाघ की। शर्वरी वाघ एक और नई अभिनेत्री हैं जो इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। शर्वरी वाघ फिल्म बंटी और बबली 2 में सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ नजर आने वाली हैं। इस फिल्म का निर्देशन यशराज फिल्म से वरुण वी शर्मा करेंगे। फिल्म में सैफ अली खान और रानी मुखर्जी भी महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। तो दोस्तों ये थे वो आने वाले कलाकार जो 2020 में हमें बॉलीवुड के पर्दों पर दिख सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक और रोमांचक खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।